नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम हाजिर हैं कुछ मसालेदार न्यूज के साथ। बॉलीवुड से ब्रेक लेना चाहती है श्रद्धा कपूर, वजह जानकर आप भी रह जाएंगे दंग। बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर बहुत जल्द अपने हार्ड वर्क से बॉलीवुड में अपना नाम बनाने में सफलता पाने वाली अभिनेत्रियों में से एक मानी जाती है। एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर अब तक बॉलीवुड में कई हिट फिल्में अपने नाम कर चुकी हैं और वे इन दिनों लगातार फिल्में भी कर रही हैं, जिसकी वजह से वो काफी थक भी गई हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर इन दिनों काफी बिजी हैं। वे इस समय 3 बड़े प्रोजेक्ट्स का हिस्सा हैं। श्रद्धा के लिए साल 2019 काफी थकान भरा साबित हुआ है। खुद एक्ट्रेस का ऐसा ही मानना है कि वे इस दौरान काफी थका महसूस कर रही हैं। इसलिए बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर आराम के लिए कुछ समय के लिए फिल्मों से ब्रेक भी लेना चाहती हैं। श्रद्धा कपूर के पास इस समय साहो, छिछोरे और स्ट्रीट डांसर 3D जैसी फिल्में हैं। हाल ही में श्रद्धा ने साहो के ट्रेलर लॉन्च के मौके पर अपने प्रोफेशनल फ्रंट के बारे में बातें की हैं। साहो के ट्रेलर लॉन्च के दौरान श्रद्धा कपूर ने कहा, मेरा शरीर बहुत दर्द कर रहा है, ये साल मेरे लिए शारीरिक रूप से काफी ज्यादा थकाने वाला रहा। मैंने 3 फिल्मों की शूटिंग की है, जिसमें से स्ट्रीट डांसर 3D अगले साल रिलीज होगी। मुझे ऐसा लगता है कि अब मुझे कुछ समय के लिए ब्रेक लेना चाहिए, मगर साहो का प्रमोशन शुरू हो चुका है। मैं काफी एक्साइटेड हूँ और ये बड़ी बात है मेरे लिए। साहो मेरी पहली मल्टी लैंग्वेज मूवी है। मुझे बहुत खुशी है कि मुझे इस बड़े प्रोजेक्ट में शामिल होने का मौका मिला। मुझे खुशी है कि मैं कम समय में ही 2 अलग अलग फिल्मों में नजर आऊंगी। इसके अलावा स्ट्रीट डांसर 3D की बात करें तो कुछ समय पहले ही इस फिल्म की शूटिंग खत्म हुई है। ये फिल्म 24 जनवरी 2020 को रिलीज की जाएगी। फिल्म में श्रद्धा कपूर एक बार फिर से वरुण धवन के साथ स्क्रीन शेयर करती नजर आएंगी। इससे पहले दोनों साल 2015 में ABCD2 में साथ में नजर आए थे। इस अपडेट से जुड़ी आपकी जो भी राय है, आप प्लीज हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। थैंक यू सो मच की वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज।